हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है अभी आप लोगों ने कहना है थिरक्यान इतनी लंबी टाइम आप कहाँ पे थे। आपको पता है हमने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया बीच में तुर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, फिर हमने उसकी बड़ी में डोनेशंस इकट्ठी किया, हमने दो दफ़ा ट्रक भेज दिया वही अर्थक्वेक इलाका का। इसलिए यही मामले की वजह से हम बहुत बिजी था। ये हमारी नया वीडियो आ चुकी है, आप लोग देखा। मैं आप लोगों का वादा करती हूँ वीक में दो वीडियोस इंशाल्लाह प्रॉपरली मेरी यूट्यूब चैनल वीडियोस में आएगा। हैव ए नाइस वॉच और प्लीज कमेंट में लिखे वीडियो आपको कैसा लगा और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या चल रहा है? कर ले स्टार्ट, कर ले स्टार्ट। Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अभी हम जाके हमजा को पिक कर लेंगे। कल मुझे क्या पता चल गया, मैं दो दिन में पूरी वीडियो में हमजा भाई कहती हूँ, लेकिन यही बात है कि मैं हमजा से दो साल बड़ी हूँ। कल मुझे ये पता चल गया। फिर मैंने सोचा ठीक है तो भाई कहना ही नहीं बनता, फिर मैं हमजा कहूँगे। एज यूजुअल ये तीसरा दिन है, हमजा फिर लेट आ गया। नो इशू, मैं हमजा के लिए वेट कर लेती हूँ। हम आ गए तकसीम मैदान पे। इधर हमारी डिफरेंट डिफरेंट डोनर वाला शॉप्स है। इवन ये शॉप्स है ना, इतना फेमस है ना, लोग इधर आती हैं हेल्थ से, इधर खा के वापस चले जाती हैं। इधर चिकन वाला है, इधर भी गोश्त वाला मीट है। और प्लस अगर आप लोगों ने इधर आना होगा ना, ज़रूर इनका वेज बर्गर भी ट्राई कर ले क्योंकि बहुत मज़ा है। ये भी उनका वो है, मेन्यू है। प्राइजेस तो महंगा है अगर एज ए टर्किश में बात कर लूँ, क्योंकि मैंने इसे सस्ता जगह में भी खाया है, क्योंकि ये तकसीम है, टूरिस्टिक स्पॉट है, इसलिए उन्होंने प्राइजेस डबल रखा हुई है। ये इधर एक शॉप है और एक शॉप भी इधर ही है, सारी भी डोनर वाला शॉप है। आई डोंट नो इनका कंपटीशन कैसे होती है, क्या हो रही है, एक भी इधर ही है, इसी लाइन का एक भी इधर ही है। इसी एरिया का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा तो क्या मुझे, मैं यहाँ से लेने लगा, मैं भी इस अंकल से लेती हूँ, उसका बहुत मजे का था वैसे। तमाम आप इधर से ले लो, मैं इधर से लेती हूँ, ठीक है, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ओके ओके, ये वाला ओके। बैन भी थाने से अलीम एट अलीम एट दुरुम अलीम, ondan sonra bir tane şey alayım. Hamburger. Hamburger alayım. Hamburger geldi. Aynen, şimdi şu ikisini alayım. Mene goş durum ya or ek bir bet burger ya. Burger. Hadi number one. Try karlayın usko. Oh, garam hai bhai. मेरे ऑर्डर्स रेडी हो गए। मैंने एक एड डोनर लिया और एक भी बैड बर्गर लिया। हमजा भी दूसरा दुकान से लिया, हम दोनों खा के कंपेयर करेंगे कौन सा वाला सबसे अच्छा है। ओए होए 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 यार, दी बेस्ट यार। आपका कैसा है? थोड़ी सी ड्राई है, मेरे भी थोड़ी सी ड्राई है, अंदर से ड्राई है, वो इतना जूसी का वो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर पिकल टमाटर और फ्राइज एंड डोनर है। इसने मेरे वाला थोड़ी सी ना वो ब्रेड भी जला दिया था, बट टेस्ट अच्छा है। अब आप मेरे वाला ट्राई करें, मैं आपका ट्राई करता हूँ। वाह, आपका बड़ा वाला है, हम तो वाला का ट्राई करते हैं। मेरी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सुखा है भाई, ये पूरा नान है यार। कहाँ से नान मिल रहे? कसम से सारी नान है। नहीं नहीं, मेरी वाला ये जान के टसरबाजी कहते हैं भाई। तक्सीम डोनर पे आ जाए, खिजल कैलर अच्छा नहीं लगा। खिजल कैलर ज्यादा अच्छा नहीं यार,
मुझे उन्होंने पैसे दिए। मैं दो दिन से फूड ब्लॉगर हूँ, प्लीज। दो दिन से फूड ब्लॉगर है ये, आप प्लीज इनकी बात माने। एज ए तुर्कीश बात करती हूँ मैं, इधर कभी भी दोनों नहीं खाया, आपके साथ खाया, क्योंकि तुर्कीश लोग इधर से प्रेफर नहीं करती है। वो कहाँ से खाते हैं? हम इधर से नहीं खाते हैं। इधर का एक डोनर मिलती है 40 तुर्कीश लीरा, इसकी बहुत अच्छा, वो गली की अंदर डोनर से 15-20 में, और जूसी और अच्छा मिलती है। वो भी खाएं? वो भी खाएंगे, वो भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगा। ये वाला अच्छा नहीं लगा? सारे अच्छा नहीं लगा, ओवर प्राइस था, नॉर्मल अच्छा। था ओके। हम फिर वो भी ट्राई करते हैं जो आप वो स्ट्रीट के अंदर वाला खाए, वो खाते हैं। मैंने जेजेने वाला पार्ट खत्म कर लिया था, अभी हमजा भाई को लेके जाएंगे। क्यों हमजा भाई कहती हूँ? हमजा को लेके जाएंगे, मैं हमजा से बड़ा हूँ, बड़ी हूँ। हमजा को लेके जाएंगे, थोड़ी सी शो हो को शो हो पे बट करना भी मजे कर। जेजेने बुरा का टैक्सी वाला ब्रांच इधर ही है। हम अभी खाना खाने के लिए आए हैं जेजेने बुरा पे। आपको मेरे व्लॉग में पता होगा, मेरी तो पिछली व्लॉग में हमने इधर आके कवर की थी, लेकिन हम तो थोड़ी सी क्यूरियस था, उसने कहा मैं आके देखना चाहती हूँ क्या चीज़ आपको अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका शो बहुत मज़े का है, शो तो देखना है। हाँ चलो, तो हम बैठ के हमारे ऑर्डर करेंगे। ये क्या क्या है सारा कुछ? ये हमारे अभी सारे साइड डिशेस हैं। इधर एक प्लेन का एक सैलड है, इधर स्पाइसी वाला एक सॉस है, सही है। इधर फ्राइज वाला एक प्लेन और ग्रीन चिली है, ठीक है। इधर हमारे दही है, इधर है हमारी ओलिव। ये क्या है? ये बुलगुर में हमने बनाते हैं, कसर है इसका नाम। ये उन्होंने वो सैलड के अंदर मीट है या कुछ वेजिटेबल है? वेजिटेबल। ओके, ये सारे वो कुकुम्बर और पेस्ट बनाया है। इधर हमारी शर्मा है, ये हुमुस है, ये भी दोलमा है। कौन सा वाला लेना चाहते हैं आप? अपना ले। अच्छा, मतलब ये जो लेके आए इसमें से हम सब अपने पिक कर सकते हैं कि हमें ये सारे भी ले सकते हैं? एक तो हमें एक तो हुमुस चाहिए हमें। हाँ, मेरा टर्किश में मेरा नाम है हमजा सेर। टर्किश में मेरा नाम है रहे सेर। म्यूजिक प्लेट तोड़ दिया। नहीं, वो के साथ एक प्लेट तोड़ देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं खाऊंगा जी ये वाला है ना पिस्ताचू कबाब। अच्छा, ये एक ही है इसमें? अच्छा, ये जी पिस्ताचू कबाब, मैंने पहले नहीं खाया हुआ। कबाब के अंदर पिस्ते डले हूँ, बहुत मजा का। देखिए बड़ा बड़ा पिस्ताचू आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर बड़े बड़े पिस्ते पड़े होंगे। कबाब बहुत मज़े का है, बहुत ही क्रिस्पी टाइप का कबाब है, प्रॉपरली जो कोयलों पे बना हुआ फुल, और बीच में पिस्ता है, वो एक डिफरेंट चीज़ लग रही है आपको। वही क्रिस्पी, अंदर सॉफ्ट है। आई थिंक मैंने वो गोश्त का पनीर और कबाब मिक्स करके ट्राई करूँगी। अच्छा, और ये वाला नान ट्राई कर ले, ये बहुत हल्का है। ये वाला नान, ये इससे भी हल्का है, ये तो छोटा सा नान है। उसकी पनीर के साथ कबाब बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, और दिल तोड़ दिया मेरी ये चीज़ें ने बुराक ने, बहुत पैसा। अभी मैंने सोचा था कि मैं कोई अच्छे से कोई जॉगर्स लूंगा, कोई कपड़े लूंगा, सारे पैसे लग गए। वो पैसा भी इधर लग गया। बाय द वे, ये 100-100 था यार, नॉर्मल गली के अंदर भी ऐसा खाना का टेस्ट नहीं। ये क्या किया हमने, मेरे बहुत अफसोस हो रही हो। चलो है हमजा के लिए, हमजा का शो हो गया, ब्रेड के अंदर नाम लिखा, कोई बात नहीं देंगे। चलो चलो, हमारी जेजेने बुराक सा खाना ख़त्म हुआ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझसे एक ब्लॉक में एक टाइम पे इतना खाना नहीं खाया जाता। अभी भी एक खाना के बाद मेरे लिए कम से कम 2-3 घंटा फांसी होने चाहिए, लेकिन हमजा के साथ ब्लॉग बनाने में बार बार हमने खाना खाना पड़ती है। अभी मैंने स्कार्फ लेना है मेरे लिए, इसको चेंज करूँगी, मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लगती है। इधर एक बोल दुकान मुझे मिला, वो काम स्वीट का,
इन्होंने ऐसे इंस्टाग्राम की टाइप बनाई है इसमें और इसके अंदर बहुत अच्छा वो पिस्ताचो तुर्की स्वीट का उन्होंने ऐसे थावर के लिए बना दिया है। ये नीचे वाला शरबत कैसे मेल्ट हो रही है। अभी मैंने स्कार्फ लेना है लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ से ले लूँ। इस्तिक्लाल स्ट्रीट भी आज इतना फुल है, इतना ही फुल, ऊपर से बस लोगों का है इतना खराब किया। आई थिंक मैं ये लेती हूँ। इसकी प्राइस क्या है? 79 या इट मीन्स 80 टर्किश लीरा। इसकी ये कलर भी अच्छा है। नहीं यार मैं ये ब्राउन लेती हूँ। मैंने चेंजिंग रूम में वही स्कार्फ चेंज किया। ये और ज़्यादा हल्का है और गर्मी में मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। आई थिंक मैंने अच्छा चॉइस किया। और आई थिंक वो लोग भी शूज़ का शॉपिंग कर रही थी। तकसीम के बाद हम लोग जाएंगे सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद में बहुत फेमस एक तुर्किश मीट बॉल का शॉप है, उधर जाना है। एंड अभी हम तकसीम से मेट्रो लिया, ब्लू मॉस्क एरिया जा रही है। इधर एक स्टेशन है, उसका नाम हलीच। आपको मैं क्या बताऊँ, इतना वो समंदर के अंदर वो गलता ब्रिज, बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आएगा। एंड इसलिए ये हलीच भी मेरी फेवरेट है एक मेट्रो स्टॉप है। हमजा भाई को मैंने सिखा दिया, ऑर्डर वो ही देगा। क्या कहने? इकी पोर्शन कोफ्ता है, इकी पोर्शन कोफ्ता है, बिर पोर्शन कुजशिश, बिर पोर्शन कुजशिश, बिर सवार पुलाव, बिर पुलाव, बिर पुलाव, सलाता सलाता चाहिए? नहीं नहीं, साथ में दो चने की प्लेटें, दो नहारी की प्लेटें। हां ओके तमाम। आयरन है? आयरन आयरन इट्स टाइम आयरन इट्स बराबर बराबर बराबर। आपकी बात समझ आ गया भाई को? मेरी बात इनको समझ आ गया, मतलब मैं टर्किश हो गया। हाँ हो गया। हमने ऑर्डर किया दो प्लेट कोफ्ता, क्योंकि 1920 से ये लोग इधर कोफ्ता बनाती है। लैम शीश मेरे बिल्कुल आउट ऑफ, नहीं पसंद। मैं भी वैसे ट्राई करने के लिए मैंने मुखबर नहीं पसंद, नहीं वो तीन दिन में थक गया मैं। अच्छा अच्छा, लैम्प शीश है मेरी, मीट खा क्या? आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन? गुजर हूँ मैं। है तुर्की में गुजर होते हैं? आप कौन है? आपका रुके रुके दोबारा मुझे बताएं, दोबारा बताएं, एक मिनट, एक मैं गुजर हूँ, दोबारा बताएं, दोबारा इधर, मैं तुर्की का गुजर हूँ। तुर्की में गुजर होते हैं? होती है, क्यों नहीं होता? ये आप पाकिस्तान जाके गुजर बनी है? नो 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 नो, देखिए कास्ट गुजर नहीं है ना, आप प्रोफेशन गुजर है। हमारी मेरी अबू का बिजनेस है भैंसे का, गोश्त का, दूध का, तो आप गुजर हुए, इसलिए मैं तुर्की का गुजर बन। अच्छा तुर्की का गुजर। आपका खास क्या है? मैं राना हूँ, राजपूत। राजपूत? यस। मेरी दोस्त है ट्राप, वो भी राजपूत है, उनका काफी ज्यादा लेंथ है। अच्छा। वो कह रहे कि राजपूत का लेंथ ज्यादा होती है, ऐसे ऐसे बात है कोई? हाइट पहले दफा देगा क्या? वो लेंथ ज्यादा होती है, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी है। अमीर बांदा से वीडियो बनाते हैं। अमीर बांदा। मेरी शायर है जट। जट? जट की कास्ट में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं। आपके हस्बैंड जट हैं? ये हमारे साथ जट साहब बैठे हुए हैं। बहुत गुस्सा वाला होती है यार, ये तो इतने हम्बल और इतने काइंड आदमी है। भाई घर पे देखो, घर पे आ जाओ, मुझे पूछो कैसा है। असल में हम लोग ना, मैं और तुर्कियान और तुर्कियान की हस्बैंड हम इकट्ठी फिर रहे हैं, तो कोई भी बीच में मसला होता है ना, तुर्कियान कहती है तुम घर पहुँच, तुम घर पहुँच। आगे मैं वैसे भी कुछ कंसिडर नहीं करता, आपको पता है। थैंक यू सो मच। यस शोफ्ता, शोफ्ता, एट और लैम्प फुजूर। ओके ओके, वही सेम। अच्छा चले शुरू करें। मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर लूंगी लैम्प से, मैंने क्योंकि जैसे ने बात से कंपेयर करना है, कंपेयर करना। अच्छा ये ज्यादा अच्छा होगा, मैं अभी बता रहा हूँ।
अच्छा है ना, वो पता लग रहा है, शक्ल बता रही है, जूसी फ्रेश शाइनी। चलें जी मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ सबसे पहले मुझे पता है कोफ्ते तो नेक्स्ट मेरी इस्तांबुल के अंदर की एक फेवरेट चीज़ है, किसी की हो ना हो अपनी अपनी पसंद होती है। मैं पहले ट्राई करता हूँ लैम, प्रॉपर शाइनी और फुल ऑन जूसी लैम। लैम पर अपने पूरे पूरे फ्लेवर के साथ है। देखिए इन्होंने मसाला नहीं लगाया है, लैम के ऊपर कोई मसाला नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रॉपर टेस्ट वाला, मसाला कोई नहीं है। ये ना सोचो कि बहुत नमकीन खट्टा, ऐसा नहीं है, अच्छा फ्लेवर ऐड कर रही है, लेकिन कोफ्ता वैसे बहुत मजे का। इस कोफ्ते का असल मजा ये है कि इसको उठा के ऐसे और साथ में पिकल्स। भाई चार साल से खुद व्लॉग बना रही है, मैं दो दिन से खाना खाती हूँ, मेरी मीदा मुझे कहते हैं आप अपने मैदे को मैसेज पहुँचाएंगे आरएसएस आया था खाले खाले हमजा का दिल इतना बड़ा है ना, बिल कितना लगा था हमजा? बिल लगा 413। हमजा ने कितने टिप रख के आए? सिक्के थे इतने सारे, वन एंड हाफ तुर्किश लीरा हमजा ने दिए। देखिए वन एंड हाफ तुर्किश लीरा हमारे बनते हैं 20। हाँ कम ही दिए मैंने। कोई बात नहीं, हमजा का दिल भर है, छोड़ो ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। तुर्कियान रोस्टिंग आरएचएस। यस यार हम ब्लू मॉस्क में आ रहे हैं, बट आज सैटरडे भी है, इतना रश है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इधर तो एक्स्ट्रा रश है, आई थिंक उधर कुछ हो रही है, मुझे नहीं पता, जाके देखना पड़ेगा। ये लोग हज़्ज़ सोफिया के अंदर देखने के लिए इतना रश और लाइन लगा दिया है। शुक्र अल्लाह का मैंने पहले देख लिया था हज़्ज़ सोफिया के अंदर, उधर अच्छे से मैंने नमाज भी पढ़ लिया था, मैं लाइन पे नहीं रुकूंगी। यार हमजा इतना रश है ना, ये लाइन सारे हज़्ज़ सोफिया के अंदर जाने के लिए है। हाँ हाँ हम नहीं जा रहे, हम पहुँच के आज की लास्ट खाना का स्टॉप पे। मैं बिल्कुल खाना नहीं चाहती हूँ, बट खाना ही है क्योंकि ये फूड व्लॉग है। मैं थोड़ी सी मेरी पेट खराब वो कर दिया, रेडी कर दिया ये फूड व्लॉग में, बहुत मुश्किल होती है यार फूड व्लॉग बनाना, मैं कसम से ऐसा नहीं सोचा था। मैं अभी ये 3 दिन हो गया हमारे ना इस्तांबुल में, हमने इतना खाना ट्राई किया ना, मैं मेरी पूरे तुर्की की सीरीज में भी बनाए थे ना, इतना ही नहीं खाया। इधर एक छोटी सी गली है, बहुत अच्छा है, इधर सारी कैफेज वगैरह है, और मैं आपको ये गली दिखाना चाहती हूँ। ये पूरा गली है ना, सारी ओल्ड गली है, और इधर बस तुर्किश रेस्टोरेंट्स है, सारी भी बहुत बहुत पुराना रेस्टोरेंट्स है। अभी इधर इतना रश है, जगह नहीं है, उन्होंने हमको सबसे एंड में छोड़ दिया, कहते थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा ताकि हमको जगह मिलेगा, हम भी वेट कर रही हैं। तो हम खाएंगे मेरी शहर एर्ज़रूम का मशहूर जा कबाब। पास आ चुका है अर्जुरुम का मशहूर कबाब, और हमारे इलाके में इसको कैसे खाया जाता है अर्जुरुम में मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि इस मीट को 1 महीना तक मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद फिर मीट को सीख पे लगा के आग के अंदर स्लो कुक किया जाता है, और उसके बाद इस तरह काट के ये रेडी होता है, और रेडी होने के बाद इसको खाया भी ऐसे जाता है। ये नहीं कि मैं अर्ज़रूम से इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन वाकई विनर ऑफ द डे। ओए होए होए प्रॉपरली कुक्ड हो रही होती है आग पे,
उसके बाद वो काटते हैं नीचे से वो पिंक मीट निकलता है ये वाली साइड, फिर ये जाता है ग्रिल के ऊपर और उसके बाद जो ये बनता है अपने जूसेस के साथ और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, सिर्फ सॉल्टी टेस्ट है और वो है इतना, मतलब मीट इतना रिच है उसका। बारीक लेयर होने की वजह से टेंडरनेस का लेवल उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बीच में जो फैट आ रहा है ना वो बहुत मजा कर रहा है। यस खवातीनो हज़रत, हमारी डे 3 खत्म हो गया। बहुत बहुत अच्छा करा खाया हमने, लेकिन एंड वाला खाना विनर ऑफ द डे। हमारी इस्तांबुल का फूड का टूर इसी ब्लॉग में खत्म किया। कल सुबह हम तुर्की घूमेंगे, कल्चर खाना सारी सिटीज जाएंगी। हमजा भाई को और मेरी चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर हमारी चैनल देख के और हमारी फॉलो कर दे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह मजे 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 का हम तुर्की देखेंगे, कल निकल रहे हैं हम लोग। असली तुर्की दिखाती हूं। हाँ, तुर्की आने मुझे कहा कि सब आते हैं इस्तांबुल घूम के वापस चले जाते हैं, तुर्की हिडन जेम है, हम उसको घूमते हैं थोड़ा सा। Stay tuned and wait for our Turkey series. अल्लाह हाफिज़।